से रहूं बादशाह मैं। पुरिया चल रहे हैं। हाय गाइस, जय जगन्नाथ। तो आज हमारा कॉलेज का एक EPC है, एक प्रोग्राम है जिसमें हम जा रहे हैं गुरुकुल। अभी अंधेरा है, शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। टाइम हुआ है कितना, टाइम कितना हुआ है? साढ़े पाँच हुआ है, साढ़े पाँच के ऊपर हुआ है। हाँ, तो साढ़े पाँच के ऊपर हो गया है। पाँच इकतालीस। तो अभी हैं कॉलेज में और यार कुछ नहीं दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। हाय। कुछ नहीं दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। तो हम जा रहे हैं अभी कॉलेज, उस उधर बस लगा होगा, फिर बस पकड़ के जाना है, बसोली जाना है। और आगे में और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो ये खड़ा हुआ है चार बस हमारे, जिसमें हमको जाना है। हम बस में बैठ गए, अब चले घूमे। तो हमारा बस निकल चुका है, साथ है अजय भैया और राहुल भैया, मैसेज भी रहे हैं ब्लॉग में। बहुत अच्छा है, देखो जय करो मशरवारी का, जय दरबार की जय। और ये आगे प्रोफेशनल जी है हमारा, और हम गुरुकुल जा रहे हैं। गुरुकुल तो डांस चल रहा है इधर, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लोग। लगने वाला है उड़िया गाना, ये मेरे साथ को ले पहुंच चुके हैं मानसरोवर, अभी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, जुड़े रहिए मेरे साथ। और ये है हमारा शिवकान। सुबह सुबह 4 बजे से नहा धो के जाके बड़े परेशान किया था मुझे सुबह से आज। अच्छा, अरे इधर आओ ना, ये बोटिंग इधर दिखाते हैं। तो दिखाते हैं आपको मानसरोवर। अभी ये रहा मानसरोवर, और हाँ जा सकते हैं, क्यों नहीं टूटेगा ना। वहाँ मछली भी है इधर, ये देखो मछलियाँ भी है इधर। वाह, ये रहा मानसरोवर। यार व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है,
मजा आ रहा है ये रहा कुलदीप ये रे। ये कौन सा मछली है? मेरा रोही भाकुर हो रहा है। रोही भाकुर बन रहा है, बन रहा है। सचिन भैया कुछ बोलना चाहिए? दिखा दीजिए मानेसर झील है, कश्मीर में आप लोग घूम रहे हैं। ये मानसरोवर है कश्मीर का। यार हमारा नसीब तो देखो, थोड़ा सा उधर जाके दिखाता हूँ। मछली आ गए। सारा मछली बिस्किट नहीं यार, बिस्कुट नहीं है। देखते हैं इधर भी यार, इधर मछली बड़ी बड़ी। मैं ये बिस्कुट नहीं आगा लाया अभी, अभी मेरे पास बिस्किट नहीं है, नहीं तो मैं इधर फेंक के वो मछली लोग को बेहद हो जाए। माछ तो की कौन से तो हम गाँव गड़िया था ना फाकुर तुम्हें कहते रोही भाकुर ना कौन कहते तुम्हें रोही उठे तो ये आम रमेश भाई क्या उधर से निकाल कितने जाना फोटो निकलना है थोड़ा सा विकास भैया का फोटो खींच लेते हैं। ये एक हो गया, दो और एक भैया और एक। यार क्या नसीब है हमारा, मानसरोवर देख लिए। जाओगे मेरे ब्लॉग में? फोटो ले लिया अच्छे से? हाँ फोटो ले लिया, कुछ बोल ले। देखिए मानसरोवर है, इसके विषय में कथानक तो अभी देखना पड़ेगा मुझे लेकिन मानसरोवर वाकई देखने में बड़े ही मजेदार है। देखिए मतलब पहाड़ों के बीच में ये है सरोवर, और सुना था और मैं भी और विकास भैया हमारा जो है वो भी सुने थे कि मानसरोवर है, एक ऐसा है वैसा है सुने थे, पर अभी साक्षात दर्शन भी कर रहे हैं। देखिए वाह मजा आ रहा है। हाँ इसमें कोई संदेह नहीं है, अद्भुत है सच में। बीच में सरोवर, क्या सुंदर दृश्य, मनोरम दृश्य। सच जी ये तो सच्ची बात है, ये हमारा नम्रता है। हाय बोल दीजिए सर। हाय आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे पढ़ी तो तुम्हें बही भरी देख ला कि कह एक्सपीरियंस। अरे सत्य भाई देखिए देखो ना, देखो ना देखिए मुझे पठे ब्लॉगटा, देखिए मुझे पठे ब्लॉगटा। हेलो ठीक है, उनको लेने दीजिए थोड़ा। ये इंसान देखो भुक्कड़ कितना खा रहा है, पहले पहले निकल आया है और खा रहा है। जीवन में मुझे दिखाओ, मैं बोलता हूँ जीवन में एक ही चीज सत्य है, आहार और बिहार। अच्छा हमको सिखा रिया है बाकी सब मुंह में सब मुंह में। लेकिन ये धक्का धड़ी चल रहा है। अभी हमारा पाली आएगा, जल्दी से खाना दे दो यार। हमें मिल चुका है खाना, देखिए ये ब्रेकफास्ट है अभी का जगह खा रहा है। ब्लॉग बन रहा है, कुछ बोल दीजिए। राधे राधे। पहले पहले लाके तो खा दिया, बुलाए भी नहीं। तो ये रहा
सर लोग खा रहे हैं, वो मैम है। ये मैम खा रहे हैं मेरे सर। मानसर भर के खा रहे हैं, एक ले आए हैं खाने के लिए। ये मैम है हमारे। ब्रेकफास्ट हो गया है, मानसरोवर भी देख लिए हैं, अभी फिर से जाना पड़ेगा बस में गुरुकुल के यहाँ। ये रस्सी नहीं मेरे पीछे है, चलो फिर चलते हैं बस में। तो मानसरोवर से ब्रेकफास्ट हो गया और ब्रेकफास्ट करके अभी फिर से बस में आ गए हैं। मानसर में सबसे अच्छी चीज ये है कि उधर इतना मछली है और इतना अच्छा मजा आया। देखने से मन कर रहा था कि ले आके उसको फ्राई करके भाकुरो भाकुरो वड़े नहीं ये बोलना है। फाइनली पहुंच चुके हैं बसोली, जो गुरुकुल है ये है। ये हमारा गुरुकुल अभी जो भी प्रोग्राम है इधर ही होगा। मैं दिखाता हूँ आपके थोड़ा सा करीब लेके। ये नाम लिखा हुआ देख सकते हैं, कॉलेज ऑफ एजुकेशन बसोली। ये रहा कुछ ऊपर का व्यू, ऊपर से व्यू है, पहाड़ के नीचे ही बसा हुआ है गुरुकुल। ये सब बच्चे हैं। दीदी ब्लॉग है, चल रहा है मेरा ब्लॉग। हाय फ्रेंड, तो ये हमारे बिल्कुल हिमाचल से। हाय, तो अभी कुछ प्रोग्राम है, प्रोग्राम के बाद खाना पीना भी होगा और बहुत तेज भूख भी लगी है, पर कुछ प्रोग्राम है वो ख़त्म नहीं होने के नहीं होगा जब तक, तब तक तो खाना तो नहीं मिलने वाला है, तो मिलते हैं खाने के बाद ही। खत्म हो चुका है, ये बस में हो चुका है, तो खत्म हो चुका है, अभी फिर से बस में जाना पड़ेगा। बोल रहा हूँ नाना बहुत बात, चश्मा बढ़िया है, चश्मा बढ़िया है। भोजन कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। बोले कैसा है गुरुकुल का ये रिव्यू? देखिए सबसे बढ़िया बात तो ये है, जो हम आ रहे हैं प्राचीन पद्धति से, आजकल ये लुप्त हो चुकी है। इसको हमारे डोगरी में बोलते हैं पत्तल, में पत्तल इसको बोलते हैं डोना, और ऐसे आजकल मिलता नहीं है। ये हमारे गुरुकुलों में, हमारे गांव में ही ये पद्धति अभी जीवित है, बाकी तो विलुप्त होती जा रही है। बहुत अच्छा भी है, जो उससे टेस्ट भी है। हाँ हाय, फिर से पहुंच गए हैं अभी उतर के, अभी पहुंच गए हैं मिनी गोवा में। ये देखो मिनी गोवा, पीछे में मिनी गोवा है। ये कविता दीदी हैं। मिनी गोवा में अभी मौज मस्ती करेंगे, गोवा तो नहीं जा सकते इसलिए मिनी गोवा में घूम रहेंगे अभी। गोवा तो रानियों के साथ जाओगे ना, अभी तो बहन है सब। हाँ। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ सही है। तो चलो मैं दिखाता हूँ मिनी गोवा। ये देख सकते हैं मिनी गोवा, गोवा जैसा ही लग रहा है पूरा। गोवा नहीं है ये, जम्मू कश्मीर है, पर गोवा जैसे लग रहा है। आरती जी, शिफा जी, आरती जी हाय कर दीजिए थोड़ा सा ब्लॉग में। मिनी यार ये कितनी औसम है यार। मिनी गोवा देख लो, गोवा तो नहीं जा सकते। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना। कैसा लग रहा है गोवा में घूम के? हाँ अच्छा, आज सुनो ये दृश्य देख करके सर की कामना और इच्छा दोनों फुलफिल हो रहा है। वाह क्या नजारा है। पास में चलते हैं,
मिनी गोवा में। यार मिनी गोवा बोलने से मजा आ रहा है। शिवकांत, ओ शिवकांत, अरे घूमो यार। अरे हाय तो बोलो यार, मिनी गोवा में आ रहे हो। ये हमारा शिवकांत है। मिनी गोवा में पहुंच चुके हैं हम लोग और फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग। हाँ। और ये हमारे ये छोटा मोटा ब्लॉगर बन सकता है। हाँ तो चलो, ये हमारे पत्र भाई है। हाय बोल दो पत्र भाई थोड़ा सा। सचिन भाई, ये मिनी गोवा में घूम के कैसा लग रहा है? गोवा नहीं जा सकते। आइए आपको रशियन के दर्शन कराते हैं, इधर थोड़ा कैमरा। हाँ वो है रशियन है। सही बोले। जैसे मैं अपने खेत पे आया हूँ और पानी रात भर मोटर चल गया। हाँ पानी भर गया है। पानी भर गया, ऐसे लग रहा। अच्छा अच्छा, बारिश बारिश भी थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है। मैं मोबाइल के स्क्रीन में गिर रहा था पानी। यार तुम कुछ बोलो। हाँ यार मिनी गोवा में घूम के कैसा लग रहा है? बोलो गोवा है अभी। बोलो ये कैसा लग रहा है मिनी गोवा? ये कहाँ पे है? मैं आपको लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी ये बोलो तो कैसा है वो? उधर हमारा बस खड़ा हुआ है, तीन बड़ा चार तीन है और एक चार वो पीछे आ रहा था। हाँ जी, हाँ हाँ बारिश तो आ रहा है। अरे बहुत ब्लॉग भी चल होते। देखिए मेरे दोस्त, आप देख रहे होंगे हम यहाँ पर मिनी गोवा घूमने के लिए आए हैं। हमारे साथ जो बिशु है ना, वो आपका यूट्यूब जो ओनर है, उसका यूट्यूब बहुत चलता है। और आप सब देखिए और मेरा भी यूट्यूब चैनल है कि प्रमाणिक राजेश, देखना। और हम घूमने के लिए यहाँ पर आए हैं जम्मू कश्मीर। हम यहाँ रणबीर कैंपस में पढ़ते हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी में। यार ये समंदर नहीं है, ये झील है, पर समंदर जैसा ही लग रहा है। मैं दिखा, ये देखो समंदर नहीं है बिल्कुल भी, ये झील ही है। पर ये झील बहुत बड़ा है इसलिए गोवा जैसा लग रहा है। और ये आसपास थोड़ा सा ये खजूर का शायद दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं। हाँ ये देखो खजूर का पेड़ है ना, ये तो इसीलिए थोड़ा सा मिनी गोवा जैसा फीलिंग आ रहा है। पर मिनी गोवा है नहीं, ये जम्मू कश्मीर का एक मतलब झील है। इस झील के किनारे ही बोला जाता है मिनी गोवा। कैसा पता, वो बारिश भी आ रहा है देखो, पर धुंधला हो गया। उस पहाड़ है उधर, उधर एक पहाड़ है पर वो धुंधला पूरा दिख रहा है। ये हो गया है ना इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे फोटो वोटो खींच के फिर मिलते हैं अगले में। बहुत तेज़ से बारिश आ रहा है पीछे। ये उस वक्त थोड़ा सा गिर रहा था, अभी बहुत तेज़ गिर रहा है तो सर भागते हुए जाना पड़ेगा। वो भैया बुला रहे हैं शायद, फोटो खिंचवाएंगे। बारिश भी था, पीछे पीछे दौड़ रहा है हमारा। आसला मन लगे मैम धाई धाई पड़े आ माराथन पड़े ना। अच्छा हो बस आसल चल आगे गाड़ी बज जाए नेक्स्ट। हाँ फिर से एक डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं। ये क्या है? ये अनिश भाई ये क्या है? अच्छा अटल सेतु है, और अटल सेतु है देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। राज भैया ये क्या है थोड़ा सा बोल दीजिए। देखिए ये पुल है जो सामने दिख रहा है आपको, ये केबल ब्रिज है और ये जम्मू कश्मीर और पंजाब का बॉर्डर है। अच्छा बॉर्डर है। हाँ बसोली का बहुत ही प्रसिद्ध ब्रिज है क्योंकि ये केबल्स पे टिका हुआ है। और अच्छा। इसके जो दो ब्रिज है बाकी सब केबल्स में है। और इस तरफ जो आप पीछे देख रहे हैं ये J&K है। हाँ। और उस तरफ चले जाएंगे आगे पंजाब आ गए। अच्छा ये हाँ। ये नदी मतलब बॉर्डर है। हाँ ये नदी बॉर्डर है, ये पुल के आर पार मतलब। हाँ। अच्छा देख सकते हैं जो कि ये केबल ब्रिज है और ब्रिज भी बहुत मस्त है। और ये अभी जो हम गए थे मिनी गोवा उसी का ही ये झील है शायद, मुझे लग रहा है झील। और ये ब्रिज केबल ब्रिज है। और ये नदी जो है ये नदी ही बॉर्डर है इस तरफ। ये जो बस हमारा जब अभी हम उतर गए हैं ये इस तरफ जम्मू कश्मीर है और वो ये नदी के उस पार पंजाब है। इसीलिए डोगरी और पंजाबी थोड़ा सा मिक्स करके जम्मू कश्मीर में भी बोला जाता है, तो यही कारण है। तो थोड़ा सा फोटो इधर भी खींच लेते हैं फिर आगे फिर ब्लॉग बनाते हैं।
आमे सब आसल बुलाबूली करने दिनटा सारे जहाँ गला से तो छाड़ बुलाबूली सारिक आम बर्तमान यू को एंजय कलु जो भ्यूटा कि बहुत ट्रेमेडियस भ्यू थी तापर आम देखल अटल रो ब्रिजटा आटा बहुत बढ़िया था आम देखिले से जिनसटापी आम निजी धन्य मन करसाथी मैंने यहीटा ही जीवन सांगसाथी सब चलवा मिसिकी चलवा कहीं क्या विषय ईर्षा नक बस हर्न मारे बस न छाड़ी नुआ रोसैया गोटे जॉइन होती सेत पदमा देखा देते उपयुक्त रोसैया पुरी चल रहे हैं बड़ी बड़ी पुरी मुस्कुराते मुस्कुराते पुरी चल रहे हैं।